हेलो फ्रेंड्स, किड्स लंच बॉक्स रेसिपी एपिसोड 31 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जहाँ रहती हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पे सब्जियों के या फिर बहुत सारी मेरी पसंद की चीजें होती है ना, उसके ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड हैं। तो अगर किसी भी रेसिपी को मुझे हफ्ते में रिपीट करना है तो उसको कुछ अलग तरीके से बना के ही मुझे हस्बैंड के लंच बॉक्स में देना होता है। तो रात को मैंने सोचा कि अरबी बनाऊंगी सुबह, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाना है, जिसकी कोशिश में मैंने आज सुबह एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार में ले लिया एक प्याज, टमाटर, मिर्च और अदरक का पेस्ट और उसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी एक स्मूथ सी मैंने प्यूरी बनाई। मैं सब एक संग ही मिक्स कर देती हूँ जिससे मुझे ज्यादा टाइम ना लगे कुकिंग करने में। और यहाँ पे मैंने रात को ही अरबी को ले लिया था, ये तकरीबन 400 ग्राम अरबी है। इसको मैंने बस एक वॉश करा और हल्का हल्का सा स्क्रैच करा, एक सीटी लगाई और उसके बाद ठंडा करके इसके चार पीसेस कट कर दिए। प्रॉपर तरीके से मैंने इसे नहीं छीला है। ठंडे होने के बाद मैंने इसमें नींबू का जूस लगा के इसे रख दिया। अब यहाँ पे मैं इसे फिर से प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है सुबह, तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे। कुकर को मैंने करा है गर्म अच्छे से, फिर डाला है इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल जैसे गर्म हो जाता है मैंने डाला इसमें ये लाल मिर्च तोड़ के। फिर इसमें मैंने मसाले डाले, अजवाइन, छोटी वाली राई, कलौंजी, जीरा और ये मैंने हींग दे दिया है। इससे टेस्ट बर्ड्स होगा बहुत ही ज्यादा आपकी इस अरबी की सब्जी का। अच्छे से इसे मैंने स्टर कर दिया जिससे कि ये बढ़िया से चटक जाए। और इसके बाद जो टमाटर, प्याज और ग्रीन चिली और हरी मिर्च का पेस्ट था, उस जो बनाया था प्यूरी, वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा चलाया, फिर मसाले इसमें ऐड करे। हल्दी है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, किचन किंग मसाला है, ये मैंने डाल के इसको फिर से अच्छे से मिक्स किया। ढक के रखा 3 मिनट के लिए क्योंकि इतने में ही ये मसाला बढ़िया से भुन जाता है, ज्यादा मेहनत करने की मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसको चलाया, इसके बाद इसमें एक बड़ा चम्मच डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने 2 मिनट तक चलाया, फिर टेम्परेचर डाउन करा मसाले का। इसमें ले ली मैंने ये 1/4 कप जितनी दही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज दही ना थोड़ी सी खट्टी थी, लेकिन फिर भी इतनी खट्टी नहीं थी। लेकिन आप जब भी लें अगर इस रेसिपी के लिए, तो बिल्कुल फ्रेश दही लीजिएगा। अच्छे से दही को बढ़िया से पका लीजिएगा, उसके बाद इसमें डालिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद फिर 3 मिनट पकाइए, उसके बाद ये मसाला बिल्कुल रेडी सा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये अरबी जो रात को ही मैंने नींबू लगा के रखी थी, जिससे इसका जो चिपचिपापन होता है, जो लेस होती है ना आफ्टर बॉइलिंग के बाद, वो नहीं रहेगी। अब मैं जाके इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा सा इसमें कम रखिएगा क्योंकि दही भी इसमें मैंने डाली है, जिसके खट्टेपन से ना नमक थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है जब ये सब्जी ठंडी होगी। मसाले को मैंने अच्छे से 2 मिनट तक अरबी में मिक्स करते हुए चलाया है। फिर इसमें आप ग्रेवी अगर राइस के संग देना चाहते हैं तो आप ज्यादा रखें, और पराठे पूरी के संग देना चाहें तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी सेट करके इसमें बस आपको हाई फ्लेम पे एक ही सीटी लगानी है। अब यहाँ पे अरबी तो बन जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पे नाश्ता भी रेडी करना है। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी सेवई उपमा। तो उसके लिए कढ़ाई को गर्म करा है, 1 चम्मच डाला है कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच डाला है मैंने देसी घी, फिर इसमें डाला है सरसों के दाने, जीरा, हींग और ये ढेर सारे करी पत्ता। अच्छे से इसको मैंने करा सौते। उसके बाद इसमें ऐड किया एक मीडियम साइज का प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके ले लिया है। प्याज में क्रंच बनी रहे इसके लिए सिर्फ मैं इसे 1 मिनट के लिए ही भूनूंगी, जिससे कि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाएगी। बगल में देखिए सीटी आ गई है प्रेशर कुकर में। अब डाला है मैंने इसमें बारीक चॉप करा हुआ गाजर और नमक डाल दिया है। ये थोड़ी सी हार्ड सब्जी है, इसको पकने के लिए नमक की जरूरत पड़ जाएगी। अब इसमें 1 मिनट चलाने के बाद इसमें टमाटर डाल दिया, लाल और हरी वाली शिमला मिर्च डाल दी है। जरूरी नहीं है कि आप 2 डालें, एक भी चलेगी। अच्छे से इसको 1-2 मिनट के लिए सौते करा, उसके बाद टमाटर सॉफ्ट होने के बाद मैंने बीच में जगह बनाई। फिर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डाला मैंने धनिया पाउडर। बीच बीच में ही मैंने इसको अच्छे से भून लिया, जिससे कि इसकी कच्ची स्मेल तो रहेगी नहीं, लेकिन हल्दी का जो कलर है ना वो बहुत ही ब्राइट आएगा। इसको भूना, उसके बाद मैंने डाल दी 1 कटोरी भरकर ये सेवई। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करती हूँ रोस्टेड वाली। इसको ना तो ज्यादा भूनने की जरूरत पड़ती है, ना ही भून के स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है। इसे 2 मिनट तक मैंने अच्छे से सब्जियों के साथ सौते किया है बढ़िया से, बिल्कुल धीमी आंच पे, ज्यादा तेज करूंगी तो
ये जल सकती है। अब यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से सेवई ली थी ना, उसी का 3.5 कप मैं डाल रही हूँ पानी, यानी 3.5 कटोरी मैं डालूंगी पानी, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट माप है। आप भी इसी तरीके से अगर बनाएंगे ना सेवई उपमा, तो यकीन मानिए बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, खिली खिली सी बनेगी। अब यहाँ पे मैंने पानी को डाल के 1 मिनट तक चलाया है, इसमें बॉइलिंग जैसे स्टार्ट होगी ढक्कन को ढकेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको खुला रखेंगे, नहीं तो ये उफन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे अपनी अरवी चेक करते हैं, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया खुशबू आई जैसे मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला। यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया और डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन गरम मसाला पाउडर, इसको मिक्स करेंगे और ये परफेक्ट अरबी की मसाला सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये तरीका अगर नया लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हस्बैंड का लंच बॉक्स हो गया है रेडी। अब यहाँ पे सेवई उपमा चेक कर लेती हूँ। देखिए 5 मिनट के बाद अच्छा सा बॉईल आ गया है, खिली खिली सी हमारी सेवई बनने भी लग गई है, लेकिन अब इसमें मैंने डाला है नींबू का रस, जिससे ये थोड़ी सी स्टिकी ना बने, जो ठंडी होने के बाद चिपचिपी सी हो जाती है ना, इसको डालने के बाद बिल्कुल नहीं होगी। फाइनली इसको मैंने चला के 2 मिनट के लिए और पकाया है। अब आंच को मैंने कर दिया है बिल्कुल ऑफ और ये सेवई उपमा बनके तैयार है। सर्व कीजिए इसे धनिया के साथ, और धनिया डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे इसका स्वाद ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी आता है। हस्बैंड के लिए मैंने अरवी के साथ बनाई चपातियां, जो मैंने पैक करके रख दिया है लंच बॉक्स में। अब उनके लिए नाश्ता मुझे देना है, तो मैंने यहाँ पे सेवई उपमा को दिया है चाय के साथ, बहुत ही अल्टीमेट लगता है। आप लोग भी प्लीज इस रेसिपी को जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। अब केया के लंच बॉक्स की बारी। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या दूंगी, लेकिन मैं आज केया को दूंगी अरबी की सब्जी, क्योंकि केया ने घर में ब्रेकफास्ट में सेवई उपमा खा लिए, जो कि उसने बहुत चाव से खाया। अब यहाँ पे एक पराठा मैंने बनाया है, जो ये आटा का मैंने पराठा बनाया है ना, वो है गेहूं का आटा और ज्वार का आटा, जो कि काफी हेल्दी आटा है, डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब ये मैंने ली है 1 चम्मच दे दी है और 1 टॉफी दे दी है किया के लिए, और लंच बॉक्स हो गया है रेडी। आई होप आपको आज का ये लंच बॉक्स एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।